नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इस वक्त पर्थ से आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं। क्रिकेट का कारवा पर्थ आ चुका है, भारतीय टीम पर्थ आ चुकी है, यहां पर अभ्यास भी कर रही है। लेकिन जिस सफर का आगाज भारत ने एडिलेड से किया था, मेलबर्न से होकर पर्थ आए हैं। हम सबको वर्ल्ड कप का सपना एक बार फिर हकीकत बनते दिखता है। इस सपने को अगर हकीकत में बदलना है तो भारत को क्या करना होगा, आइए देखते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की कुछ यादें और कुछ टिप्स भी। अब तक हम दो मैच खेले, बहुत अच्छे खेले। मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका काफ़ी अच्छा था, मुझे देखने में मज़ा आया। मैंने पहली बार स्टैंड्स में से मैच देखा तो एक अलग सी एक्साइटमेंट मैं भी महसूस कर रहा था। जो ग्राउंड के अंदर जो एटमॉस्फेयर था, एनर्जी थी, और जिस तरह से प्लेयर्स मैच खेले भी मज़ा आया देखने। मेरे साथ कुछ जिम्बाब्वियंस बैठे थे, कुछ ऑस्ट्रेलियंस भी बैठे थे, और वो यही कह रहे थे कि पता नहीं लग रहा है कि हम मेलबर्न में हैं या इंडिया में हैं, क्योंकि पूरा स्टेडियम ब्लू नज़र आ रहा था। मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था, मज़ा आया मैच देखने के लिए। और बहुत अच्छी ये बात थी कि बॉक्स जब चाहो आप ग्लास बंद कर सकते थे। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि उसकी ग्लास खुलती भी है। जब ग्लास खुली तो एक अलग सा मज़ा आया, क्योंकि क्राउड का रिस्पॉन्स पता लग रहा था ज़्यादा। हम काफ़ी डिटर्मिंड दिखे, और जिस तरह से प्लान किया था, मैं पहले ही कहे जा रहा था कि शिखर का गेम ऐसे है कि वो इन विकेटों के लिए सूट करेगा, और वो अगर सेट हो जाते हैं, अच्छा स्टार्ट देते हैं, तो वो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा गेम पे शिखर। और मुझे लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप थी शिखर और अजिंक्य की। आई थिंक किसी भी बैट्समैन को ना थोड़े टफ पैचेस आते हैं बीच में, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया। हम बहुत बार जल्दी ओपिनियंस फॉर्म करते हैं और जजमेंट बहुत जल्दी दे देते हैं, ना किसी को चांस नहीं देते। अगर प्लेयरों को हम थोड़ा चांस देने लगेंगे तो प्लेयर भी अलग तरह से सोचता है, और वो कॉन्फिडेंस एक बड़ी चीज़ होती है। जब प्लेयर को तो खुद के एबिलिटी में कॉन्फिडेंस होता है, मगर जब लोगों को उसके एबिलिटी में कॉन्फिडेंस आने लगता है और वो प्लेयर को पता लगता है कि लोगों को मेरे पे भरोसा है, तो फिर प्लेयर अलग सोचता है और उसका रिफ्लेक्शन आप ग्राउंड पे देख ही लेते हो। जब अजिंक्य ने आके जिस तरह से बैटिंग की और एक्सेलरेट किया, मुझे याद है आई थिंक पहले या दूसरे इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अजिंक्य इज़ अ डार्क सब है ना, थोड़ा अंडररेट करते हैं कि वो कितना डैमेज कर पाएगा, ये सोचते नहीं दूसरे यू नो बिग हिटर्स है टीम में। मगर अगर आप अजिंक्य का स्ट्राइक रेट देखो तो वो क्रूशल मोमेंट पे बैटिंग करने आए, और जब वो आउट होके गए तो उन्होंने गेम को बदल दिया था। हमने 307 किए इंस्पाइट ऑफ लास्ट तीन एक, और हम ठीक से रन नहीं कर पाए, जितने चाहिए थे उतने नहीं कर पाए, मगर जिस तरह से फिनिश हुआ था ना लास्ट तीन ओवर तक, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेके अजिंक्य ने टीम को छोड़ा था। उनके पास वो स्पेशल एबिलिटी है कि जब रहाणे बड़ा शॉट भी खेलते हैं तो पता नहीं लगता कि वो बड़ा शॉट खेले हुए हैं, क्योंकि उनका वो टाइमिंग इतना अच्छा होता है और एफर्ट कम लगता है बिल्कुल, कि आप ऐसे देखो तो लगता है कि जेंटल पुश किया हुआ है और बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाता है। मैं हमेशा उन्हें देखते आ रहा हूँ, और वो जब पंच करते हैं तो इतनी अच्छी पोजीशन में होते हैं, इसलिए वो वेट ट्रांसफ़र और बैलेंस, वो सारी चीज़ें जब इकट्ठा काम करने लगती है तो बैटिंग बड़ी ईजी लगने लगती है उनकी। पहले ही कहा है कि ये टूर्नामेंट बहुत लंबी टूर्नामेंट है, और हमें चांस देना चाहिए प्लेयरों को कि किस तरह से वो खेलते हैं और इनिंग एक अच्छी सफल इनिंग खेल पाते हैं, और उसमें रोहित का भी ज़रूर मौका आएगा, मुझे दिख रहा है जस्ट राउंड द कॉर्नर। आई थिंक जो मैं देख रहा हूँ कि वो बाकी स्पिनर्स की तरह नहीं डाल रहे, बाकी स्पिनर्स जितना मैं देख रहा था मुझे लगा कि काफ़ी फ्लैग डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे आप जब फ्लैग डालने लगते हो बॉल तो वो स्किड करने लगता है बैट के ऊपर, मगर बॉल को जब
एक कहते हैं कि बॉल को साइड से डालना जिससे बॉल स्केड करने लगता है, और बॉल को थोड़ा ऊपर से डालना ऐसे। तो मुझे लगा कि जडेजा और अश्विन दोनों ऊपर की तरफ से डाल रहे हैं और थोड़ा स्लो कर रहे हैं, जिसमें लूप है, और क्योंकि लूप है बॉल बाउंस भी हो रहा है और थोड़ा सा ब्रेक भी हो रहा है, वो सीधा नहीं चल रहा है बैट के ऊपर। तो ये एक वेरिएशन है और मुझे लगता है कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं ये, क्योंकि दे आर चैलेंजिंग बैटर्स टू यू नो क्लियर देम। जो जो लंबी बाजू ग्राउंड की, वहाँ पे आप हमें मारो छक्के, नो प्रॉब्लम्स, मगर आप आउट भी हो सकते हैं। हाँ, आई थिंक उनकी कैप्टनसी हमेशा एक पैटर्न में चली है, वो हमेशा काम रहते हैं, वो कहीं डिस्टर्ब नहीं नज़र आते। और मैंने पहले ही कहा था, अगर आपको याद है तो पिछले इंटरव्यू पाकिस्तान मैच के बाद मैंने राजदीप से कहा था कि वी कैन प्ले बेटर, मुझे पता है इस टीम का पोटेंशियल, और अगर सब कुछ अच्छी तरह से प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जाता है आगे, तो फिर हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। और मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाना चाहिए। आगे हम थोड़े वीकर टीम्स के साथ खेलेंगे, मगर तभी रेड फ्लैग होता है जब आप वीकर ऑपोजिशन के साथ खेलते हो, तब और ज़ोर लगा के खेलना चाहिए हमें। मुझे लगा कि खास करके जब स्पिन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, शुरू में तो ज़्यादा रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग की और बाद में अश्विन आए, मगर दोनों को अगर आप देखो तो उसने दूसरी एंड से लगवाया जहाँ पे बाउंड्री लाइन थोड़ी लंबी थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर कर जाती है, क्योंकि बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है तो वो हमेशा देखता है ग्राउंड के क्या डिमेंशंस हैं और कौन बॉलिंग कर रहा है और किस तरफ आप टारगेट कर सकते हो, हवा किधर चल रही है। तो धोनी ने जो ड्रेसिंग रूम थी उसके ऑपोजिट एंड से ज़्यादा स्पिन बॉलिंग के ओवर्स डलवाए, और पवेलियन एंड से फास्ट बॉलिंग जितनी देर हो सके वहाँ फास्ट बॉलिंग पवेलियन एंड से हो रही थी, जिस तरफ बाउंड्री लाइन थोड़ी छोटी थी, और वो छोटी बाउंड्री लाइन थी इसलिए स्ट्रेटेजी भी थोड़ी अलग थी, थोड़ा बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ डाल रहे थे ताकि वो साइड में मारे लंबी बाउंड्री लाइन की। बहुत खुश है सचिन, लेकिन कहते हैं कि अभी सपना पूरा करने में बहुत कुछ लगेगा। मैं इस वक्त पर्थ में हूँ, भारत को यहाँ पर दो मैच खेलने हैं आयरलैंड और वेस्ट इंडीज से। वैसे भारत का क्वार्टर फाइनल का सफर जो है वो तय है, लेकिन भारत क्या अपने पूल को टॉप कर पाएगा ये निर्भर करेगा इन दो मैचों पर। सचिन तेंदुलकर का मानना है कि भारत को कम से कम वेस्ट इंडीज से संभल कर रहना होगा। आई थिंक ये फॉर्मूला ठीक चल रहा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन रहा है। तीन फास्ट बॉलर्स तीनों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और दो स्पिनर्स आके बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों स्पिनर्स बैटिंग कर सकते हैं थोड़ी, जडेजा बैटिंग कर लेते हैं, अश्विन भी आके थोड़ी बैटिंग कर लेता है नीचे। ये ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि जब आप 8 नंबर तक ठीक ठाक बैटिंग आपकी है तो एक कॉन्फिडेंस वाली बात है। ड्रेसिंग रूम में ऐसे लगता है कि हम 8 नंबर तक ठीक बैटिंग कर रहे हैं, मोहम्मद शामी भी आके थोड़ी बैट घुमा लेते हैं, उमेश भी अगर मौका पड़ा तो थोड़ा मार लेते हैं, मोहित इतना नहीं, मगर बट ओवरऑल अगर आप इन 9 और 10 की तरफ देख रहे हो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है टीम में। तो आई थिंक 7-8 तक बैटिंग ठीक है, मगर आपको अच्छे 5 बॉलर्स होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ चलूँगा। अगर टीम में कुछ निगल है और थोड़ा इंजरी होने का डर है तो मैं शायद उस प्लेयर को प्रोटेक्ट करूं बड़ी मैच के लिए। मुझे वेस्ट इंडीज़ बड़ी मैच दिखती है, पर मैंने पहले कहा था कि वेस्ट इंडीज़ सुनील नारायण नहीं है, पोलार्ड नहीं है, ब्रावो नहीं है, तीन उनके मेन प्लेयर्स नहीं है, तो उसे थोड़ा सा डीमोरलाइज तो हो ही जाते हैं टीम। मगर मुझे लगता है कि पर्थ पे एक क्लोज मुकाबला होने का बहुत बड़ा चांस है। एक आयरलैंड में भी वैसे ही कंडीशंस है थोड़ी, जैसे न्यूजीलैंड में आपको देखने मिलते हैं, थोड़े बहुत वैसे ही कंडीशंस है, और वो ठीक बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे दोनों रेड फ्लैग वाली टीम है, कि उनके अगेंस्ट के मैचेस लाइटली मत लो। जिस तरह से वो खेले बहुत बहुत अच्छा खेले, मज़ा आया।
तो यही मोमेंटम चालू रखो मैं कहूँगा कि ना, और मुझे लगता नहीं कि और कुछ अलग कर सकते हैं, जो करते आ रहे हैं अब तक उसी को रिपीट करने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा कुछ अलग करने की मत कोशिश करो, क्योंकि जो लास्ट 200 ओवर हमने खेले वो बहुत अच्छे ओवर्स खेले। अगेन तीन टीमें अब तक जो अच्छा खेली है वो मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका विल आई वोंट बी सरप्राइज कि वो पिक कर जाते हैं अगेन। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना।